स्टूडेंट्स, आप लोग को चैप्टर 7 पूरा बता दिया गया, उसके क्वेश्चन आंसर भी सारे करवा दिए गए हैं। आइए चैप्टर 8 देखते हैं, फूड एंड न्यूट्रिएंट्स, ना न्यूट्रिएंट्स यानी कि भोजन और पोषक जो तत्व हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, नीड्स ऑफ फूड, भोजन की आवश्यकता। ऑल द मशीन्स नीड एनर्जी टू डू वर्क, सभी मशीन को कार्य करने के लिए एनर्जी यानी ऊर्जा की आवश्यकता होती है, यानी सभी मशीन को कार्य करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, द एनर्जी नीडेड बाय कार टू मूव इज ऑब्टेन फ्रॉम बर्निंग फ्यूल लाइक डीजल एंड पेट्रोल। देखिए, उदाहरण के लिए हम कार के जब चलता है मूव करता है तो उसके लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जो कि फ्रॉम बर्निंग फ्यूल, जो कि क्या करता है, जलता है, लाइक डीजल एंड पेट्रोल। किससे चलता है वह? जैसे डीजल और पेट्रोल से वह चलता है, वह कहाँ से एनर्जी लेता है? डीजल और पेट्रोल, यानी कार को चलने के लिए भी एनर्जी की आवश्यकता होती है। आवर बॉडी ऑल्सो वर्क लाइक ए मशीन, हमारा शरीर भी क्या करता है, कार्य करता है जैसे कि एक मशीन कार्य करता है। ठीक है, आवर बॉडी ऑल्सो वर्क लाइक ए मशीन, हमारा शरीर भी क्या करता है, कार्य करता है लाइक ए मशीन, किसकी तरह, एक मशीन की तरह। हमारा शरीर भी कार्य करता है एक मशीन की तरह। टू डू वर्क आवर बॉडी गेट एनर्जी फ्रॉम फूड दैट वी ईट। टू डू वर्क, वह कार्य करता है, आवर बॉडी, हमारा शरीर जो कार्य करता है वह एनर्जी कहाँ से प्राप्त करता है, फूड दैट वी ईट, जो भोजन हम लोग करते हैं, जो भोजन हम लोग करते हैं वहीं से हमारा शरीर क्या करता है, कार्य करने के लिए एनर्जी लेता है। यानी हम लोग जो भोजन करेंगे उसी से एनर्जी लेकर हमारा शरीर क्या करेगा, कार्य करेगा। वी ईट व्हीट, राइस, वेजिटेबल, फ्रूट्स एंड पर्ल्स। जब हम लोग खाते हैं क्या, व्हीट, अनाज को, राइस, चावल, वेजिटेबल, सब्जी, फ्रूट, फल एंड पर्ल्स मींस दाल, ये सब चीज़ जब हम खाते हैं तो सम पीपल्स आल्सो, कुछ लोग क्या खाते हैं, कुछ लोग तो ये खाते हैं, और सम पीपल्स आल्सो ईट मीट, फिश एंड एग, कुछ लोग क्या खाते हैं, मीट, मांस, फिश यानी मछली एंड एग्स यानी अंडे, कुछ लोग मांस, मछली और अंडों को खाते हैं। दस फूड्स गिव्स अस एनर्जी टू डू वर्क एंड परफॉर्म द फॉलोइंग फंक्शन। दस यानी इस प्रकार भोजन हमें क्या देता है, एनर्जी कार्य करने के लिए एंड परफॉर्म द फॉलोइंग फंक्शन, और उससे क्या होता है, हमारे निम्नलिखित फंक्शन परफॉर्म होंगे। पहला है, फूड गिव्स अस एनर्जी टू वर्क, स्टडी एंड प्ले। जो भोजन हम लोग करते हैं वह एनर्जी देता है किसके लिए, कार्य करने के लिए, स्टडी करने के लिए एंड प्ले और खेलने के लिए। भोजन हमारा एनर्जी देता है किसके लिए, वर्क, कार्य करने के लिए, और उससे क्या होता है, कार्य करेंगे, स्टडी एंड खेलने के लिए। इट हेल्प्स अस टू ग्रो, और किसमें सहायता करता है, दूसरा है किसमें सहायता करेगा वह, ग्रो यानी कि विकास करने में भी वह सहायता करता है। इट रिपेयर्स द डैमेज बॉडी पार्ट्स, और क्या करता है, और वह डैमेज यानी खराब जो शरीर का भाग है उसे भी उसे रिपेयर यानी मरम्मत करना यानी उसको भी ठीक करने में कार्य करता है ना, उसे भी ठीक करने में वह कार्य करता है। चौथा है, इट कीप्स अस फिट एंड हेल्दी, वह कैसे रखता है हम लोग को, वह हम लोग को फिट और हेल्दी रखता है ना, वह हम लोग को भोजन में फिट और हेल्दी रखता है। लास्ट है, इट मेक्स अवर बोन्स एंड मसल्स स्ट्रॉन्ग, और वह क्या करता है, हमारी हड्डियों और मसल्स को स्ट्रॉन्ग बनाता है यानी मजबूत बनाता है। भोजन हमारे हड्डियों और मसल्स को क्या करता है, मजबूत बनाता है। देखते हैं, न्यूट्रिएंट्स ऑफ फूड यानी भोजन का जो पोषक तत्व हैं उनके बारे में देखते हैं। फूड कॉन्टेन वेरियस सब्सटेंस विच प्रोवाइड्स न्यूट्रिएंट टू द बॉडी, जो भोजन है उसमें अलग अलग
वेरियस सब्सटेंस यानी अलग अलग वेरियस अलग प्रकार के पदार्थ होते हैं जैसे जो कि प्रोवाइड करते हैं, जो कि प्रोवाइड करते हैं हमारे शरीर के पोषण को, है ना, हमारे शरीर के पोषण को, जो भोजन है उसमें अलग अलग पदार्थ पाए जाते हैं जो कि क्या करते हैं हमारा पोषण देते हैं। दे आर कार्बोहाइड्रेट, वे क्या होते हैं, वे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन, मिनरल्स, ठीक है, रफे एंड वाटर्स, ठीक है, यानी कि यह क्या होते हैं। इसके में लिखिएगा चारा, चैप्टर एट है हमारा, चैप्टर हम एट पढ़ रहे हैं। इसमें जो है लिखिएगा एंड ओ यू मिस होता है पोषण, क्या होता है यार पोषण होता है, ठीक, और लिखेगा आर ओ यू जी एच ए जी मिस होता है चारा, क्या होता है चारा, ठीक है, यह हो गया। यानी कि आइए देखते हैं अब कार्बोहाइड्रेट क्या देखते हैं, अब हम कार्बोहाइड्रेट के बारे में देखते हैं। कार्बोहाइड्रेट आर द मोस्ट एनर्जी गिविंग फूड्स फॉर अवर बॉडी, जो कार्बोहाइड्रेट है वह क्या करती है हमारे शरीर को ज़्यादा एनर्जी प्रदान करती है, हमारे भोजन से हमारे शरीर को ज़्यादा प्रदान करती है। राई जैसे चावल, वीट, ठीक है, पोटैटो, सुअर, हनी आदि चीज कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट की मात्रा अधिक किसमें पाई जाती है, राइस में, वीट में, पोटैटो में, सुगर में, हनी में, ठीक है, इन सब चीज़ों में ज़्यादा मात्रा में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। पीपल्स हु डू मोर फिजिकल वर्क नीड मोर कार्बोहाइड्रेट, लोग को जो लोग ज़्यादा काम करते हैं उन्हें जो फिजिकल वर्क करते हैं उन्हें आवश्यकता होती है किसकी, ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट की। शुगर एंड स्टार्च आर टू टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट इन आवर बॉडी, हमारे शरीर में दो प्रकार के कार्बोहाइड्रेट पाए जाते हैं, शुगर एंड स्टार्च, है ना, वही लिखा गया है, शुगर एंड स्टार्च आर टू टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स इन अवर बॉडी, हमारे शरीर में दो प्रकार के कार्बोहाइड्रेट पाए जाते हैं, शुगर और स्टार्च। फैट्स के बारे में देखते हैं, फैट्स आर आल्सो एनर्जी गिविंग फूड, फैट भी हमें भोजन से क्या प्रदान क्या देता है, एनर्जी देता है। दे गिव मोर एनर्जी देन स्टार्च आर शुगर, यह क्या करता है, यह स्टार्च और शुगर से ज़्यादा एनर्जी देता है, क्या, फैट, जो दे गिव मोर एनर्जी देन स्टार्च और शुगर, यानी स्टार्च और शुगर से यह ज़्यादा एनर्जी देता है। फैट्स हेल्प टू कीप आवर बॉडी वॉर्म, जो फैट है हमें सहायता करते हैं हमारे शरीर को गर्म रखने में, फैट हमारे शरीर को गर्म रखने में क्या करते हैं सहायता करती है। एक्स्ट्रा फैट इज स्टोर्ड इन द बॉडी फॉर फ्यूचर यूज, देखिए जो फैट है वह एक्स्ट्रा यानी फैट है तो वह क्या होता है स्टोर हो जाता है यानी संग्रहित हो जाता है इन द बॉडी शरीर में फॉर फ्यूचर यूज, यानी कि फ्यूचर में यूज करने के लिए फैट हमारा क्या होता है वह इकट्ठा हो जाता है। बटर देखिए किसमें किसमें है, बटर, घी, कुकिंग ऑयल एंड नट्स आर रिच इन फैट्स, फैट की देखिए अधिक मात्रा किसमें किसमें है, बटर में है, घी में है, कुकिंग ऑयल जो भोजन वाला जो तेल है एंड नट्स आर रिच इन फैट्स। एक्सेस ऑफ फैट, फैट का यदि अधिक मात्रा है तो मेक्स अस फैटी एंड लीड्स टू मैनी डिसीज, देखिए यदि हमारे शरीर में ज़्यादा फैट हो जाएगा तो लीड्स टू मैनी डिसीज, तो क्या हो जाएगा हमारे शरीर में अनेक प्रकार की बीमारियां हो जाएंगी। यदि हमारे शरीर में ज़्यादा फैट बनने लगा तो हमारे शरीर में अनेक प्रकार की बीमारियां भी आने लगेगी। आइए प्रोटीन के बारे में देखते हैं, प्रोटीन आर बॉडी बिल्डिंग फूड, देखिए जो प्रोटीन है हमारे भोजन निर्माण में जो भोजन
क्या करता है, शरीर को वह भोजन निर्माण कराता है, शरीर को बनाता है। दे हेल्प अस टू ग्रो, यह क्या करता है, यह हमारे विकास में सहायक होता है। क्या होता है, यह हमारे विकास में सहायक होता है। दिस इज व्हाई चिल्ड्रेन नीड मोर प्रोटीन, यह क्या होता है, क्योंकि बच्चों को प्रोटीन की ज़्यादा आवश्यकता होती है। बच्चों को प्रोटीन की ज़्यादा आवश्यकता होती है, क्यों, क्योंकि उन्हें विकास करना होता है। एग्स, फिश, मीट, चीज, बीन्स, पल्स, सोयाबीन आर रिच इन प्रोटीन। देखिए किसमें किसमें अधिक मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है, एग्स, फिश, मीट, चीज, बीन्स, पल्स, सोयाबीन, ठीक है, इन सब चीज़ों में प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है। विटामिन के बारे में देखते हैं, विटामिन आर प्रोटेक्टिव फूड, जो विटामिन है वह क्या है, वह प्रोटेक्टिव फूड है। दे हेल्प अवर बॉडी टू फाइट अगेंस्ट डिसीज, ये क्या करते हैं, वे हमारे शरीर में जो डिसीज है यानी उससे वह क्या करते हैं, फाइट करने के लिए सहायक होते हैं। जो विटामिन है हमारे बीमारियों से लड़ने के लिए वह क्या करते हैं, सहायक करते हैं। वी मस्ट रेगुलरली हैव फूड्स विच कॉन्टेंट्स विटामिन, आवर बॉडी नीड्स ए वेरी स्मॉल क्वान्टिटी ऑफ देम। देखिए वी मस्ट रेगुलरली, हमें अवश्य ही क्या करना चाहिए, रेगुलर भोजन में लेना चाहिए। विच कॉन्टेंट, ऐसे कॉन्टेंट जिसमें कि विटामिन हो, क्या हो, जिसमें विटामिन हो। थ्रो आवर बॉडी नीड्स ए वेरी स्मॉल क्वान्टिटी ऑफ देम, हमारे शरीर के लिए बहुत ही छोटी क्वान्टिटी में हमें क्या चाहिए होता है, विटामिन मिलता है। फ्रेश फ्रूट किसमें मिलेगा, देखिए फ्रेश फ्रूट यानी कि ताजे फल, वेजिटेबल, सब्जी, मिल्क, दूध, फिश, मछली, मीट, मांस, एग, अंडे, स्प्राउट्स, बीन्स, देखिए जो बीन्स अनाज है उसको जो स्प्राउट होते हैं, जो जमे होते हैं, जमाते हैं ना उसको, हम चने को जैसे भिगो दिए दो तीन दिन के लिए, छोड़ एक मतलब आज जैसे भिगोए उसको, फिर पानी में छान करके उसको रख देते हैं, उसमें नमी रहेगी तो क्या उसके स्प्राउट जम जाते हैं ना, तो वहीं हमारे हैं स्प्राउट। आर रिच इन विटामिन, यानी कि किसी अनाज को भी यदि आप भिगो करके उसका स्प्राउट जमाते हैं तो उसमें क्या होता है, अधिक मात्रा में विटामिन पाया जाता है। आइए देखते हैं मिनरल्स, मिनरल्स आर आल्सो प्रोटेक्टिव फूड, मिनरल्स भी क्या है, प्रोटेक्टिव फूड है। दे कीप्स अस हेल्दी, या क्या करता है, यह हमें हेल्दी रखता है एंड फिट और फिट रखता है। दे हेल्प इन इंफॉर्मेशन ऑफ बोन्स, यह क्या करता है, हमें बोन्स यानी हड्डियों को, दांत को एंड ब्लड, टीथ एंड ब्लड, यानी हमारे हड्डियों, दांत और ब्लड को क्या करता है, वह उसको बनाने में वह सहायता करता है। कैल्शियम, पोटेशियम, सोडियम, आयोडीन एंड आयरन आर सम एग्जाम्पल ऑफ मिनरल्स, देखिए मिनरल के कुछ एग्जाम्पल जो हैं क्या है, कैल्शियम, पोटेशियम, सोडियम, आयोडीन एंड आयरन, ठीक। वी गेट मिनरल्स फ्रॉम फ्रेश वेजिटेबल, हमें मिनरल कहाँ से मिलेगा, ताजे सब्जी, दूध, ठीक है, अनाज, इत्यादि सबसे हमें मिनरल मिलते हैं। अरे रफे चारा देखते हैं, रफेज आर फूड आइटम फ्रॉम प्लांट एंड डैट हैव फाइबर, ठीक है, यह पौधों से हमें क्या मिलते हैं, भोजन में चारा मिलेंगे। इट इज नेसेसरी फॉर द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम, यह आवश्यकता है किसके लिए, हमारे पाचन क्रिया के प्रॉपर फंक्शन को यानी कि करने के लिए यह आवश्यकता है किसकी, चारा की आवश्यकता है। इट एड्स बल्क, बल्क में सकता है थोक, बल्क ऑफ द फूड यानी जो भोजन हम करते हैं उसमें। इट हेल्प टू रिमूव वेस्ट मटेरियल आउट ऑफ द बॉडी, यह क्या करता है, यह हमारे शरीर में जो वेस्ट मटेरियल है उसे शरीर से बाहर निकालने में क्या करता है, सहायता करता है। यानी हमारे शरीर में जो वेस्ट मटेरियल होते हैं उसे शरीर से बाहर निकालने में यह सहायता करता है। वाटर के बारे में देखते हैं, वाटर, मोस्ट ऑफ आवर बॉडी वेट इज बिकॉज ऑफ वाटर, देखिए हमारे शरीर का जो अधिक भाग है वह किस पे है, वह वाटर की वजह से है। 3/4 ऑफ आवर बॉडी वेट इज वाटर, देखिए हमारे शरीर का जो भाग है उसका 3/4 भाग क्या है, पानी है। हमारे शरीर का जो वजन है उसमें 3/4 भाग किसका वजन है, वह पानी का है। इट हेल्प्स इन मेकिंग फूड सॉल्युबल, डाइजेस्टिबल एंड एब्जॉर्बेबल, ठीक है, यानी कि इट हेल्प्स, वह सहायता करता है मेकिंग फूड यानी भोजन को बनाने में
सॉल्युबल यानी कि डाइजेस्टिबल मतलब कि पाचन की क्रिया जो है उसमें उस सबको वह करने में क्या करती है, पानी हमारी सहायता करती है। पानी की वजह से ही हमारी पाचन अच्छी होगी, ठीक है। इट हेल्प विथ रिमूविंग बॉडी वेस्ट, और हमारे शरीर को बॉडी से यानी बॉडी में हमारे जो शरीर में जो बॉडी में जो वेस्ट चीज़ है उसे रिमूव करने में यह सहायता प्रदान करेगी। इट आल्सो हेल्प इन मैनी बॉडी फंक्शन, यह बॉडी के यानी शरीर के अनेक फंक्शन में यह सहायता प्रदान करती है। वी लूज वाटर व्हेन वी स्वीट और पास आउट यूरिन, ठीक है। देखिए वी लूज वाटर, देखिए व्हेन वी स्वेट और पास आउट यूरिन, जबकि जब पानी हमारा रहता है तो क्या करता है, तब हम यानी कि पास आउट यूरिन वह क्या करता है, वह यूरिन के जरिए क्या होता है शरीर से बाहर निकल जाता है। सो वी मस्ट ड्रिंक वाटर ए लॉट एवरी डे, इसलिए हमें पानी क्या करना चाहिए, ए लॉट एवरी डे यानी कि अधिक मात्रा में पीनी चाहिए। इसलिए हमें पानी को क्या करना चाहिए, अधिक मात्रा में पीनी चाहिए, है ना। देखिए जितनी पानी हम पिएंगे हमारे शरीर की जो वेस्ट मटेरियल हैं वह क्या करेंगे, शरीर से बाहर निकल जाएंगे। इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, हमें ज़्यादा मात्रा में पानी को पीना चाहिए। यानी कि इसके जो भाग हैं आपको फैट प्रोटीन विटामिन मिनरल्स वाटर ये सब हो गया। बैलेंस डाइट किसे कहेंगे हम, बैलेंस डाइट यह हम क्या करेंगे नेक्स्ट टर्न पे पढ़ेंगे। किस चीज़ में कार्बोहाइड्रेट